डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। मेरठ के मवाना इलाके में सब्जी लेने गए विशाल के सीने में गोली पार कर दी गई और हमलावर तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ऋतिक सैनी के अलावा दो और आरोपी इस जानलेवा हमले में शामिल थे, जिनमें से अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा विशाल के पिता राकेश ने किसी भी तरह की आपसी रंजिश की बात से इनकार किया है। पहले देखिए घटना की कुछ तस्वीरें, उसके बाद बताएंगे आपको पूरा हाल। दरअसल मामला मवाना के मोहल्ला मुन्नालाल का है, जहां सब्जी लेने गया विशाल घर से महज 600 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर के सामने पहुंचा तो बुलेट सवार तीन युवकों ने उसे घेरते हुए उसके सीने पर गोली से वार कर दिया। एक गोली विशाल के सीने से आर पार हो गई, जबकि दूसरी गोली चूक गई। ये कोई पहला हमला नहीं है, आए दिन मेरठ में दिन दहाड़े युवकों पर हमले हो रहे हैं, जैसे बदमाशों के जहन से खाकी का खौफ ही खत्म हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक दिन पहले ही मोहिद्दीनपुर चीनी मिल के बाहर विशाल का तीन युवकों से विवाद हुआ था, लेकिन वो विवाद उसी समय निपट गया था जिसके दूसरे दिन विशाल ने ड्यूटी भी की और घर आया। लोगों के मुताबिक तीन अनजान युवक पीड़ित के घर के आसपास दिखाई दे रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी है। विशाल को CSC ले जाया गया था, जहाँ से उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। सुनिए SP देहात अनिरुद्ध सिंह से इस बारे में मिली जानकारी। सर, एक चीनी मिल कर्मचारी के गोली मारने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई हुई? कल मवाना थाना क्षेत्र में देर बीती रात एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति विशाल है, जिनकी गोली कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है, जिसमें एक गोली उनके कमर और एक गोली पेट में लगी है। इस पे तत्काल उनको CHC भेजा गया और वहाँ से अस्पताल जिला अस्पताल भेजा गया। मामला इस संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति है ऋतिक, जिसकी अच्छे से लड़ाई हुई थी, अच्छे का दोस्त है विशाल, ऋतिक ने ही विशाल को गोली मारी है। ऋतिक के साथ दो और लोग थे जो गाड़ी पर बाइक पे सवार थे। तो अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर मिल गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, लड़ाई का कारण क्या सामने आया निकल के? लड़ाई का कारण आपसी इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, जिसमें गुटबाजी चलती है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहो फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।